बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निदा कामरान व्लॉग। क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप सब लोग। आज चांद रात है और हम लोग जा रहे हैं बाजार। रात का टाइम हम गाँव अपने चांद रात पे। क्या रुका बात फिर काट मेरे चांदरा। तो गाइज़ अभी हम पहले अम्मी के घर आए थे क्योंकि यहीं से हमने बाज़ार जाना है। अम्मी के घर के करीब जो बाज़ार है वहाँ पर जाना था, तो अभी हम बस निकल रहे हैं। ठंड लग रही है यार, तो सोचा था ठंड में होगी गर्मी होगी, लेकिन ये तो ठंडी हवा है ना। वैसे ठंडी हवा में इसको सर्दी लगना शुरू हो गई स्कार्फ लेके। और ये इब्राहिम नानो के घर से लोग काट तोड़ के लाया है इसका काम बन गया। तो अभी हम बाजार जा रहे हैं चांद रात के लिए। चांद रात पे माशाल्लाह रौनक लगी हुई है, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। रात के टाइम मेरे बच्चों को घूमने फिरने या शॉपिंग का बहुत शौक है। ये देखिए यहाँ और भी लोग हमारे जैसे शौकीन फिर रहे हैं। हमने भी शॉपिंग तो कर ली थी, बस कोई चूड़ियाँ मेहंदी वगैरह बीहा को दिलानी है या घूमने फिरने के लिए बस आए हैं। बच्चों के पापा तो शॉप पर ही हैं, हम तीनों अकेले ही आए हैं। और हम हर मौके पे इसी तरह अकेले ही आते हैं क्योंकि उनका बेचारा सीज़न है ये ईद का। रश है बहुत ज़्यादा और बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, रौनक है। बस जी, तो अभी यहाँ से शवारमा बर्गर बनवाते हैं और कुछ थोड़ा खाया पिया रिफ्रेशमेंट, और इसके बाद हम लोग घर जाते हैं क्योंकि लेट हो गए हैं, देर काफ़ी हो चुकी है। तो ख़रीदना तो कुछ ख़ास नहीं था, बस घूमना फिरना था, सो घूम लिया। ये देखिए जी बर्गर बन रहे हैं, बस अभी हम लेते हैं उसके बाद निकलना है हमें। चलो किसने लेना है शवारमा और किसने लेना है। अभी हम घर जा रहे हैं, काफ़ी देर हो चुकी है। तो अम्मी हमारे साथ नहीं आई थी, अम्मी घर ही थी क्योंकि ज़ाहिर वो इतना ज़्यादा नहीं चल फिर सकती, सारा दिन से वो रोज़े से थी। तो बस अभी हम घर पहुंचते हैं, घर पहुंच के फिर आपसे नेक्स्ट अपनी रूटीन शेयर करते हैं कि देखिए इसके बाद हमने रात को क्या करना है। और रात काफ़ी ज़्यादा है, टाइम बहुत हो चुका है, बच्चे भी थक गए हैं लेकिन खुश हैं। हमारी साइड पे देखिए कोई रौनक नहीं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, बाजार सड़कें तकरीबन तकरीबन खाली हैं। तो अब रात हो गई, ठंड लग रही है हमें, तो अभी घर पहुंचने वाला है दोस्तों, अब घर आने वाला है। तो रात के एक बज रहे हैं, बल्कि साढ़े एक बजने वाले हैं। तो देखिए अभी हम जा रहे हैं घर।
तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करती हूँ क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अभी हमने सोना है और सुबह इंशाल्लाह ईद वाले दिन फिर दोबारा आपको अपने कुर्बानी के जानवर के साथ मुलाकात करें।